नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। साथियों, पिछली क्लास में हमने एंकर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करी थी, तो आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं साथियों। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन सट्टा, हिंदी में इसे सट्टा कहा जाता है। आइए देखते हैं सट्टा क्या होता है। वह गतिविधि जिसके माध्यम से लोग भविष्य में होने वाले कीमत परिवर्तनों के अनुमानों के आधार पर इक्विटी आदि का लेन देन करते हैं और उससे लाभ लेने की कोशिश करते हैं और उससे लाभ लेने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, जो ऐसा करते हैं वह निवेशक नहीं होते हैं। निवेश करना इनका उद्देश्य नहीं होता है। ये सट्टे के लिए काम करते हैं। कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी तो उनको फायदा होगा। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें सटोरिया या सट्टेबाज स्पेकुलेटर कहा जाता है कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कि ये दो प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो है नंबर एक तेजड़िया। इसको आप ऐसे समझें, इसको तेजी का आइडिया आ रहा हो उसे क्या कहा जाता है, तेजड़िया। आइए इसके बारे में देखते हैं। वह सटोरिया जो भविष्य में कीमत बढ़ने का ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ तेजी का अनुमान लगाता है। और वर्तमान में खरीदने का सौदा करता है। तेजड़िया एक तेज गति से बढ़ रहे बाजार को और तेज कर देता है। इस संदर्भ में उसकी भूमिका को नकारात्मक माना जाता है। तेजड़िया एक गिरावट वाले बाजार की गिरने की गति को धीमा कर देता है।
धीमा कर देता है। इस संदर्भ में उसकी भूमिका सकारात्मक होती है। समझिए इस बात को ध्यान से। ऐसा आदमी जो ये सोचता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्तमान में जो कीमतें हैं उनको कम आंक रहा है और उसे लाभ लेना है। जैसे उसे लगता है कि सोने की कीमतें बढ़ेंगी, वह अपनी क्षमता के आधार पर सोने को खरीद लेता है और इंतजार करता है। जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी, वो सोने को बेचकर लाभ कमा लेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है साथियों, कीमतें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी इसकी गारंटी नहीं है, परंतु वो जैसे व्यवहार करेगा उसे हम क्या कहेंगे? तेजड़िया कहेंगे। वो तेजी का अनुमान लगा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? तेजड़िया। अगर सबके अनुमान सही हो जाएं साथियों, तो सारे लोग करोड़पति ना बन जाएं। कई बार सटोरिए इसी चक्कर में दूसरे से पैसे उधार लेकर मार्केट में लगा देते हैं, और अगर मार्केट उनके हिसाब से नहीं चलता है तो लोग फिर दिवालिया हो जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला होता है मंदड़िया, बेयर्स। मंदड़िया, अब यहाँ पे भी इसको आप ऐसे समझिए कि जिसे मंदी का आइडिया आए उसे क्या कहा जाएगा? मंदड़िया कहा जाएगा। आइए देखते हैं मंदड़िया कौन होते हैं। वह सटोरिया जो भविष्य में कीमतों के गिरने मंदी का अनुमान लगाता है। कीमतों का गिरना मतलब मंदी आना, कीमतों के गिरने का अनुमान लगाता है और वर्तमान में बेचने के सौदे करता है सौदे करता है। मंदड़िया एक गिरने वाले बाजार की गिरावट को और बढ़ा देते हैं। इस संदर्भ में उनकी भूमिका को नकारात्मक माना जाता है। नकारात्मक माना जाता है। इस संदर्भ में उनकी भूमिका को नकारात्मक माना जाता है। मंदड़िया एक तेज गति से बढ़ने वाले बाजार की गति को थोड़ा धीमा कर देते हैं। इस संदर्भ में उनकी भूमिका को सकारात्मक माना जाता है। जैसे ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास सोना पड़ा है और उसे ये आइडिया आ रहा है कि मंदी आएगी तो जल्दी जल्दी सोने को बेच देगा ताकि उसे नुकसान ना उठाना पड़े। इन लोगों को भी फायदा होता है। कैसे? समझे इस बात को। जैसे मान लीजिए कि मैं मंदड़िया हूँ, मेरे पास कोई आदमी आता है, उसे आधा किलो सोना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए, मानने में कुछ जा नहीं रहा है, आधा किलो कीमत तो ऐसा बहुत होगी, फिलहाल मान लेते हैं।
मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं आपको दे दूंगा। जो अभी रेट है उस पर हमारा सौदा फाइनल हो जाता है। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं आपको 10 दिन बाद आपका सोना दे दूंगा। अब वो व्यक्ति 10 दिन बाद आता है और कहता है कि मेरा सोना लाओगे। कह सकता है भाई, ग्राहक है और ग्राहक राजा होता है। तो मैं कहूँगा कि सर आप 10 मिनट बैठिए, मैं लाकर आपको देता हूँ। मैं बाजार जाऊँगा और चूंकि कीमतें गिरी हुई है तो मुझे वो सोने कम पैसे में मिलेंगे और मैं उसे खरीदूंगा और उसे वापस देकर फायदा या लाभ कमा लूंगा। मंगड़िया लोग शेयर मार्केट से भी लाभ कमा लेते हैं। उनका काम तो वही है ना, मंदी या गिरावट का अनुमान लगाना। ये सुबह सुबह ही क्या करेंगे कि शेयर बेच देंगे। अगर इनके पास शेयर नहीं है तब भी ये बेच सकते हैं, सिस्टम से उधार लेते हैं। सुविधा सबके पास सबके लिए होती है तो ये सुविधा होती है। मान लीजिए इसने टाटा मोटर्स के 100 शेयर 500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से, 100 शेयर इसने टाटा मोटर्स के 500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिए, तो नियम के अनुसार इसे खरीदने भी पड़ेंगे क्योंकि इसने सिस्टम से उधार लिया है। शाम तक इसको ये शेयर 400 रुपए के हिसाब से मिल गए तो क्या हुआ कि अब ये शेयर को रीपे कर देगा और 100 रुपए एक शेयर पे कमा लेता है। ये सब ऐसे चलता रहता है साथियों। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि तेजड़िया तेजी का और मंदड़िया मंदी का अनुमान लगाता है। तेजड़िया आज खरीदेगा कल बेचेगा और जो मंदड़िया होगा वो आज बेचेगा और कल खरीदेगा। बस ये चीज है साथियों। आइए इससे रिलेटेड एक और चीज समझते हैं हम लोग, बुलिश मार्केट एंड बेरिश मार्केट। बुलिश मार्केट एंड बेरिश मार्केट, बेरिश मार्केट क्या चीज है ये, बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट। किसी भी बाजार में तेजड़िया और मंदड़िया दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तेजड़िया और मंदड़िया दोनों एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं लेकिन कभी कभी वह एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। यदि तेजड़िया मंदड़ियों पर भारी पड़े तो बाजार में तेजी आने लगती है। इस प्रकार के बाजार को बुलिश मार्केट कहते हैं। जब तेजड़िया मंदड़ियों पर भारी पड़ेगा तो बाजार में तेजी आएगी और इस प्रकार के बाजार को बुलिश मार्केट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार कभी कभी मंदड़िया तेजड़ियों पर भारी पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं भारी पड़ते हैं और बाजार में गिरावट होने लगती है। इस प्रकार के बाजार को बेरिश मार्केट कहते हैं। बाजार को बेरिश मार्केट कहते हैं। इसे एक चित्र की सहायता से दिखाया जा सकता है। दिखाया जा सकता है सहायता से
दिखाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। देखिए फिगर देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप लोग फिगर देखिए और यहाँ पे मौजूद कुछ, चलिए ठीक देखते हैं। ये मान लीजिए कि आपकी थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इतना सटीक ठीक है यहाँ पे नहीं बन पा रहा है फिलहाल, यहाँ पे देख लेता हूँ इससे बन जाएगा क्या। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस है ये हमारी, इस पर हम लोग टाइम दिखा देते हैं टाइम, और ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हम लोग सेंसेक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेंसेक्स, यहाँ पे ये दिखा देते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरवल मान लेता हूँ, मान लीजिएगा कल इंटरवल, जैसे मान लो ये टी वन थ्री फोर फाइव सिक्स और टी सेवन, यहाँ सात इंटरवल हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे गौर करिएगा आप लोग, ये टी वन पे मान लो हम लोग यहाँ कहीं पे हैं इस जगह पे टी वन पे, और उसके बाद फिर ऐसे ही थोड़ा सा उनके सामने लोग यहाँ पे आते हैं और थ्री पे मान लो लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे, और टी फोर पे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं टी फोर, और उसके बाद से टी फाइव पे यहाँ कहते हैं, और टी सिक्स पे मान लीजिए कि लोग यहाँ कहते हैं, और टी सेवन पे मान लो कि हम लोग यहाँ कहते हैं। ध्यान दीजिए पॉइंट्स को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये चीज है सच है। यहाँ पे आप गौर करिए, ये जो चीज है ये ऐसे, इस टाइप से इसको आप फोर पे कंसीडर करिए, यस। अब इस हिस्से का जो ये मार्केट है, इस हिस्से का, इस हिस्से का इसको हम लोग कहते हैं पुलिस मार्केट, पुलिस मार्केट। और इस वाले हिस्से का जो ये पार्ट हमारे पास इधर दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे बियरिस मार्केट, बियरिस मार्केट। आपको गौर क्या करना है, इस वाले हिस्से में अगर हम लोग आते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखिए कि ये थोड़ा सा ग्राफ नीचे आ रहा है, इस वाले हिस्से में जहाँ पे मैं छायांकित कर रहा हूँ, इसको आपको बनाना नहीं, लेकिन ओवरऑल जो इसकी टेंडेंसी है, जो इसकी प्रवृत्ति है वो ऊपर जाने की ओर, ऊपर जाने की ओर है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने परिभाषा में आपको बताया कि उसे बुलिश मार्केट कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मार्केट आपका नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे फिर आपका ऊपर गया है, तो इसका कोई यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आप ओवरऑल फिर ये मार्केट की टेंडेंसी जो है वो नीचे की ही वो आ रही है, ओवरऑल देखा जाता है इसमें साथियों। तो ये होता है हमारा बियरिश मार्केट, मुझे उम्मीद है आपको फिगर समझ में आ गया होगा। ये तेजड़िया और मंदड़िया दोनों बाजार में रहते हैं, अर्थव्यवस्था वही है, सारे संकेत भी वही है, लेकिन एक आदमी सोचता है कि मार्केट बढ़ेगा, दूसरा सोचता है गिरेगा, और ये विचारों में अंतर ही बाजारों को चलाता है साथियों। जैसे मैं तेजड़िया बनना चाहता हूँ तो मैं तेजड़िया कब बनूंगा, जब मैं खरीदूंगा, लेकिन सोचने मात्र से तो मैं तेजड़िया बनूंगा नहीं, अनटिल अनलेस जब तक कि बेचने वाला नहीं मिलेगा, है कि नहीं। और बेचने वाले के दिमाग में ये रहेगा कि मार्केट गिरेगा और मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट बढ़ेगा, सपोज वो भी यही सोचे कि मार्केट बढ़ेगा वो बेचेगा ही नहीं, तो मैं तेजड़िया कैसे बनूंगा। तेजड़िया तभी बना जा सकता है जब मंदड़िया मार्केट में हो। दूसरी बात, आदमी तेजड़िया बनने के लिए मंदड़िया बनता है, आप सोच रहे होंगे कैसे,
जिस दिन मैं खरीद रहा हूँ उस दिन तो मैं तेजड़िया हूँ, और जिस दिन मैं बेचूंगा उस दिन मैं क्या हो जाऊंगा, मंदड़िया, क्योंकि मेरे को लगेगा ये मार्केट नीचे जाएगा तभी तो मैं बेचूंगा ना। ये दल बदल चलती रहती है साथियों, ऐसा नहीं होता है कि कोई अपने नाम के आगे टाइटल लगा ले कि हलीम भाई तेजड़िया और अकलीम भाई मंदड़िया। अब आइए डायग्राम के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। कई बार आप देखते हैं कि जब मार्केट में तेजी आती है, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट में यहाँ तेजी आई है, तो उसके अगले दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि मार्केट थोड़ा नीचे आता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे सुधार या करेक्शन कहा जाता है। बाद वाली चीजें आपको नहीं लिखनी है, फिगर जो बना है शुरुआती दौर में वही आपको बना लेना है अपनी नोटबुक में। तो इसे क्या कहा जाता है साथियों, सुधार या करेक्शन कहते हैं। लोग अपनी पोजीशन थोड़ी सी बदल लेते हैं, और ये मार्केट में जब चलता है और ये मार्केट जब चलता है तो कीन्स सर कहते हैं कि लोगों में एनिमल स्पिरिट्स आ जाती है, लोग जानवर जैसे हो जाते हैं। अगर आप 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो उसमें भी ये सब यूज हुआ है, उसके बालूम फर्स्ट में किसी परीक्षा में भी ये पूछा गया है। ये जो बुल बेयर ये सब जानवरों के नाम ही तो हैं, बुल मीन्स क्या होता है बैल या सांड, और बेयर मीन्स क्या होता है भालू, एक स्टैग अर्थात बारासिंगा भी होता है। अब ये क्या है बारासिंगा, जो लोग आईपीओ में पैसा इसलिए लगाते हैं कि लिस्टिंग के दिन रेट बढ़ जाएगी और हम बेचकर निकल जाएंगे, उनको क्या कहा जाता है स्टैग कहा जाता है। तो जब मार्केट चलता है साथियों तो लोग पागल हो जाते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। शेयर का रेट देखा 100 रुपए, फिर उसके कुछ देर बाद 120, कुछ देर बाद 150। तो जब ऐसे दृश्य वो लोग देखते हैं तो उनकी बुद्धि एकदम से भ्रष्ट हो जाती है, सोचते हैं कि मैं कैसे चूक गया। जब रेट बढ़ता है तब जाकर उसे खरीद लेते हैं। तो जितना ओरिजिनल कीमत से आप दूर जाते हैं उतने ही गिरने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़ी बदल रहे हैं जितना रेट बदल रहा है कि नहीं। रेट तो सट्टे की वजह से बदल रहा है साथियों। तो इस साइड के मार्केट में ओवरऑल हमको क्या नजर आ रहा है, तेजी नजर आ रही है इस वाली साइड में बुलिश मार्केट में, और उस साइड में मार्केट धड़ाम से टूटकर नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए इस वाली साइड में मार्केट आपका अचानक से टूटकर नीचे आया है। इसके टूटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कहीं युद्ध छिड़ गया हो, आप देख ही रहे हैं कि रसिया यूक्रेन वार चल ही रहा है, और इधर चाइना ताइवान टेंशन भी चरम पर है, अमेरिका की मौद्रिक नीति भी बदल जाए, सरकार ने कुछ बोल दिया हो, तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं ये मार्केट टूटने के। कई बार कोई कारण नहीं होता है फिर भी मार्केट गिर जाता है, और इसकी वजह होती है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग इसकी क्या वजह होती है साथियों, कि जब कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए कहीं युद्ध वगैरह नहीं चला है, किसी सरकार ने कुछ नहीं बोला है, तब भी ये क्या हो जाता है धड़ाम से गिर जाता है, और इसकी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। यानी लोग सोचते हैं कि मार्केट बहुत ऊंचा चला गया है तो बेच कर निकल जाए, नहीं तो मार्केट नीचे चला जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात देखते हैं हम लोग, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज इसकी हिंदी उन्दी नहीं होगी साथियों, ये आर्बिट्रेज क्या है आइए इसको देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति अलग अलग बाजारों में पाए जाने वाले कीमत अंतरों का लाभ उठाने की कोशिश करता है। इस संदर्भ में वह कम कीमत वाले बाजार से बस इक्विटी आज खरीदता है तथा उन्हें ऊंची कीमत वाले बाजार में बेचता है।
ऑर्बिट रेज से, ऑर्बिट रेज से बाजारों में एकीकरण होता है, बाजारों में एकीकरण होता है, इसे सकारात्मक माना जाता है, पॉजिटिव, इसे सकारात्मक माना जाता है। देखिए समझिए ध्यान से इस बात को, इसे क्या कहा जाता है, सकारात्मक माना जाता है। आर्बिट्रेज से बाजारों में एकीकरण होता है और इसे सकारात्मक माना जाता है। आइए समझते हैं साथियों, सट्टे में आदमी वर्तमान समय और भविष्य के समय में जो गैप होता है उसका लाभ उठाता है, जबकि आर्बिट्रेज में समय वही रहता है और बाजार अलग अलग हो जाते हैं। जैसे TCS के शेयर अगर NSE में कम रेट पर मिले, TCS के शेयर अगर NSE में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कम रेट पर मिले और BSE पर अधिक रेट उसी शेयर के मिल रहे हैं, देखिए वो खरीदने की बात है या बेचने की बात है, तो आदमी NSE से खरीद कर BSE पर बेच देता है। अब बहुत सारे आदमी यही करेंगे, भाई अकेले तो मार्केट चलता नहीं है, ये मामला है साथियों। इसी प्रोसेस को ही ऑर्बिट रेज कहा जाता है और ऑर्बिट रेज की वजह से दो बाजार कनेक्ट हो रहे हैं, NSE का जो माल है वो BSE में जा रहा है कि नहीं, तो इससे क्या होगा कि दोनों मेरे बराबर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ रेट कम है वहाँ खरीदारी हो रही है तो वहाँ का रेट बढ़ जाएगा और जहाँ बेच रहे हो वहाँ कम हो जाएगा रेट, तो इंटीग्रेशन अर्थात एकीकरण हो गया ना बाजार का, बात क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर है तो मैं एक एग्जांपल लेकर और आपको बताता हूँ। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको समझाने के लिए, कि मान लीजिए कि दो मंडियाँ हैं ए व बी, दोनों के बीच में मात्र एक दीवार है और एक गेट लगा है, बात समझना आप ध्यान से, एक ही दीवार है। इस मंडी से ए से बी तक जाने में कोई भी आपका ट्रांसपोर्ट टैक्स विपणन शुल्क वगैरह ये सब नहीं है, क्लियर हूँ। मान लीजिए कि इस वाली मंडी में आलू का रेट जो है वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, आलू 20 रुपए पर केजी है और यहाँ पे बी में मैं मान लेता हूँ 25 रुपए प्रति केजी आलू है। इसी टाइम पर, सेम ही टाइम पर ए में रेट क्या है कम और बी में क्या है रेट ज्यादा है, तो आदमी ए से माल उठाकर बी में बेच देगा, यहाँ से ये माल उठाकर क्या करेगा बी में बेच देगा, तो इससे क्या हो जाएंगे बाजार कनेक्ट हो गए और रेट भी क्या हो गया बराबर हो गया, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया। मेंस में जब हम कृषि मंडियों के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी समस्याओं को भी देखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है BSE के एस्पिरेंट हैं, तो हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जो अच्छाइयाँ हैं और जो बुराइयाँ हैं। एक प्रमुख समस्या इसी आर्बिट्रेज की ही है साथियों, आर्बिट्रेज नहीं हो पाता है, मंडियाँ पास पास होते हुए भी माल इधर से उधर नहीं जा पाता है। कारण क्या है कि हर मंडी में अलग अलग टैक्स लगता है, चाहे एक ही स्टेट की ही मंडियां क्यों ना हो, विपणन शुल्क इधर भी और उधर भी लगता है, और एक व्यापारी अपना माल इधर से उधर ले जाता है और मान लीजिए कि 5 रुपए विपणन शुल्क ही लग जाता है, तो आदमी क्यों ले जाएगा। इसी वजह से एक ही बाजार में इंटीग्रेटेड मार्केट नहीं बन पाता है कृषि वस्तुओं का। हमारी सरकार वन नेशन वन मार्केट लाना चाहती है, तो कैसे होगा है कि नहीं, एक स्टेट में तो हो ही नहीं रहा है, ऐसे ही कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, बात क्लियर हुई, तो पूरे मतलब भारत के स्तर पर ये तो कैसे किया जा सकता है, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि तो ये चीजें जो फिजिकल है आप शेयर मार्केट में तो कर सकते हैं, जैसे आपने देखा कि NSE BSE दोनों एक ही जगह पे आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये सब आलू वगैरह गेहूँ वगैरह सब भौतिक स्वरूप होता है इनका, तो ये कर पाना बहुत ही मुश्किल एस्पेक्ट होगा। तो ये ऐसे कनेक्शन बनता है साथियों, भले ही हम शेयर मार्केट पढ़ रहे हों लेकिन इसको मैंने कैसे लिंक कर दिया, मंडी से लिंक कर दिया। अब बहुत डिटेल में तो हम लोग मेंस में ही पढ़ेंगे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज ये क्या चीज है, ये देखिए ध्यान से, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अमेरिका आदि विकसित
रास्तों के निवेशक, रास्तों के निवेशक, निवेशक भारत जैसे विकासशील रास्तों की ऊंची ब्याज दरों की ऊंची ब्याज दरों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। कई बार ये देखा गया है कि अमेरिका आदि विकसित राष्ट्र इस प्रक्रिया के आधार पर करेंसी मैनिपुलेशन, हिंदी इसकी जो यूपीएससी ने की है, मुद्रा चालबाजियां, करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत जैसे राष्ट्रों की समष्टिगत आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो जाती है। देखिए, आइए समझिए ध्यान से। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में ब्याज दरें आमतौर पर ज्यादा ही रहती हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र का सिद्धांत ये कहता है कि जिस राष्ट्र में जिस साधन की बहुलता रहती है वहाँ वो चीजें सस्ती होती है। तो विकसित राष्ट्रों में पूंजी की बहुलता है, पूंजी की अधिकता है, वहाँ ब्याज दरें कम होंगी। जबकि हमारे यहाँ किसकी अधिकता है? लेबर की अधिकता है, तो लेबर हमारे यहाँ कंपैरेटिवली सस्ता रहेगा। कभी कभी अमेरिका जैसे राष्ट्र जानबूझकर भी इस गैप को और अधिक गहरा कर देते हैं, जिसे करेंसी मैनिपुलेशन कहते हैं। देखें, समझे इस बात को ध्यान से। मान लीजिए कि इंडिया की इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंडिया, और एक ये रेट है यूएसए की। आमतौर पर होता क्या है कि इंडिया की रेट यूएसए के रेट से ज्यादा होती है। हमने उदारीकरण भी कर रखा है, तो जिसके चलते यूएसए का पैसा इंडिया में आ सकता है। निवेशक ये देखता है उसे तुलनात्मक रूप से लाभ कहाँ मिलेगा, क्योंकि रेट हमारे यहाँ ज्यादा है, तो यूएसए का पैसा डॉलर के रूप में मान लीजिए इंडिया आता है, ये ऐसे डॉलर के रूप में इंडिया में आता है। तो ये जो पैसा आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल फ्लो, पूंजी का अंतर प्रवाह। यूएसए का पैसा हमारे इंडिया में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ रेट ज्यादा है। तो जब किसी चीज का फ्लो ज्यादा हो जाता है साथियों, तो उसका रेट कम हो जाता है। इसी प्रकार से डॉलर का जो रेट है वो भारत में कम हो जाता है। डॉलर के रेट को हम लोग कहते हैं एक्सचेंज रेट। डॉलर के रेट को क्या कहेंगे? एक्सचेंज रेट। अर्थात डॉलर की एक्सचेंज रेट कम हो जाती है, यानी हमें कम रुपए देने पड़ते हैं। मान लीजिए कि 80 रुपए एक डॉलर के इक्वल है यूएस डॉलर के। यदि डॉलर ज्यादा आएगा तो उसका रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 75 रुपए एक डॉलर के इक्वल हो जाता है। 75 रुपए किसके इक्वल हो जाता है? एक डॉलर के। तो जब डॉलर भारत में सस्ता होगा तो अमेरिका के सामान भी क्या हो जाएंगे? भारत में सस्ते हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जिस पेन से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल पेन, अमेरिका से आता है और उस पर एक डॉलर लिखा है, तो पहले ये 80 रुपए का मिलता था और अब 75 रुपए में ही मिलेगा। तो हम ज्यादा मात्रा में पेन अमेरिका से ही मंगवाएंगे,
इससे हमारे यहाँ के पेन की बिक्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो एक पक्ष हुआ साथियों, और दूसरी चीज ये है कि हमारे सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। बात क्लियर हुई, हमारे सामान क्या हो जाएंगे, अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। जैसे अब ये 75 रुपए का मामला है, अब ये अमेरिका में जब होगा तो उनको $1 से अधिक देना पड़ेगा ना, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं आप, हमारे सामान क्या हो जाएंगे, वो महंगे हो जाएंगे अमेरिका में, क्योंकि रुपए की वैल्यू बढ़ी हुई है। यहाँ पे आप देखिए कि 75 रुपए जो है वो एक डॉलर के इक्वल है, क्योंकि पहले कितने का था, $1 उनका हमारा 80 रुपए के इक्वल था, तो हमारा रुपया तो मजबूत हुआ है कि नहीं? तो अमेरिकन लोग जो है वो हमारे सामान नहीं खरीदेंगे। बात क्लियर हुई, वहां पर हमारा मार्केट ध्वस्त हो जाएगा। अमेरिकन लोग अपने ही सामान यूज करेंगे, और हमारे लोग भी उन्हीं के सामान यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो माल है वो आया हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ गया है। इससे क्या होगा कि हम बर्बाद होने लगेंगे। हम अमेरिका से निवेदन करेंगे कि महोदय, जो अपने जो आपने ब्याज दरें कम दिए हैं, उससे हमारा नुकसान हो रहा है, उसको थोड़ा सा देखिए आप। अब अगर मान लो अमेरिका ये कह दे कि हमारे यहाँ मंदी का माहौल है, इसलिए हमें ब्याज दरें कम करनी पड़ी हैं, ये आपकी समस्या है, आप देखिए इसको, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये समस्या है साथियों। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मान लीजिए कि अमेरिका ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी, अब जब ये ब्याज दरें बढ़ा देंगी तो जो पैसा इधर आ रहा था वो उसे इधर शिफ्ट होने लगेगा, डॉलर इधर की ओर जाने लगेगा, ये घूम कर वापस अमेरिका आने लगेगा। इससे क्या होगा कि आपका स्टॉक मार्केट उसका पतन हो जाएगा, भारतीय रुपए का हैवी मात्रा में डेप्रिसिएशन होगा। आ रहा है तब भी परेशानी है साथियों, जा रहा है तब भी परेशानी है। अब हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाएगी। इससे हमारी समष्टिगत आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है। समष्टिगत आर्थिक स्थिरता में हम लोग क्या क्या चीज देखते हैं, GDP देखेंगे, व्यापारिक संतुलन देखेंगे, रोजगार, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, यही सब तो सम्मिलित होता है। दूसरे वेरिएशन में जो है आपका स्टॉक मार्केट है, एक्सचेंज रेट, ये भी शामिल करते हैं हम लोग समष्टिगत आर्थिक स्थिरता में। तो ये सब उनकी वजह से क्रैश हो जाते हैं, आर्थिक उदारीकरण का ये दुष्प्रभाव है साथियों। तो आपका क्या मानना है कि क्या हमें उदारीकरण की प्रक्रिया को पलट देना चाहिए, हमें फिर से समाजवाद के रास्ते पर चलना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज के अंक में हम लोग इतना ही देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।